हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, आज मैं आपका किसी शो पे वेलकम नहीं करने वाली हूं। आई एम गोइंग टू वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स। यस, ये स्टार्टअप्स के जो आइडियाज है ना, मुझको रोज आते हैं रात में सोने से पहले और कभी कभी उठने के बाद भी। आई एम श्योर कि आप लोग को भी आते होंगे कि यार बहुत बोर हो गए हैं, अभी कुछ अपना ही स्टार्ट कर लेते हैं। वेल, आई हैव विद मी थ्री पीपल जो इस तरह की चीजें करने में ना बहुत सारे जुगाड़ भी कर रहे हैं। सो यस, आई वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल द हसलर विशाल वशिष्ठ, हु इज विद अस राइट नाउ। वी हैव वेरी एम्बिशियस एंड ब्यूटीफुल अंजलि बारोट, प्लीज वेलकम। एंड वी हैव द डेंजरस समीर कोचर विद अस। समीर, वेलकम, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड। तो कैसा चल रहा है ये जुगाड़ का खेल, हमको बताइए प्लीज। आज ही स्ट्रीम हुआ है वैसे। बहुत जुगाड़ किया हमने, कुछ तो 3 महीनों तक, और फिर जाके फाइनली ये स्टार्टअप क्रिएट हुआ हमारा। We can talk, हाँ, हमारा स्टार्टअप तो यही है। कोई स्पॉइलर नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बता सकते। So, मजा आया, भाग दौड़ थी, टाइट था सब कुछ शेड्यूल। दुनिया बहुत अलग थी, दुनिया इतनी पुरानी नहीं है, 2010। It's 13 years, 14 years back. I know. But it's such a different time than what we are living in today. So that was very interesting. उस समय स्टार्टअप्स शुरू हुए थे, लोगों को आइडिया ना शुरू, लोगों को ये कॉन्सेप्ट आया था कि यार खुद का कुछ कर सकते हैं। अ पर्सन लाइक समीर जैन, दैट पर्सनालिटी मस्ट हैव स्पोकन टू समवन एंड ही इंस्पायर्ड समवन कि हाँ भाई ये रियल हो सकता है। एंड देन उसके बाद दिस ह्यूज वेव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉलोड इन द लास्ट डेकेड। सो आई थिंक वी आर गोइंग बैक इन दैट टाइम एंड दैट्स व्हाट द एंटायर स्टोरी हैज बीन inspired from. And I think it's a tribute in our own way to the aspiring entrepreneurs coming ahead in future and who have already been and done well for themselves. Absolutely. So how did you resonate with the character of Mihir Jain that you're playing? First of all, tell me, why did you call me dangerous? Because you started dangerous se shuruaat ki aur aapke sare titles ke naam itne dangerous hain. Zeher, Mango Dreams, Jannat, oho. I think she's calling me dangerous because of a very old show I did, which I don't think you guys know about, but correct. Not DD, it was on Zoom. It was on Zoom, haan. Doordarshan pe alag tha, Sugandha ke saath. Correct, correct. Haan, I know. Yes, haan. We're old timers. But yeah, talking about this show, this is again one made from the heart. What simple show haan. Hai. It's about aspirations, it's about, people ki ideas ko kaise ignite diya jata hai, how aap, hum sab ke andar, aap keh rahi thi bade achhe tarike se ke, यार खुद का कुछ करना है, आइडियाज आते रहते हैं। कल भी बात कर रही थी मैं, ये हर एक करते हैं यार, कल अगर ये बन गया तो यार इस पे तो हम लोग पैसे लगा देंगे, ये तो बिजनेस बन जाएगा, ये तो ग्लोबल मतलब जा सकते हैं, इस पे इतने करोड़ लग जाएंगे। तो ये कहानी उन्हीं लोगों की है और उसमें से बहुत, हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप्स काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड आई थिंक इस कहानी में बताया गया है कि इस पूरे शो के अंदर के आइडिया आपके पास हो तो बढ़िया है, लेकिन उस आइडिया को शेप आप कैसे देंगे, उसको आप एक बिजनेस कैसे बनाएंगे विद ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर वे। आपको जुगाड़ करना पड़ता है, आपको उन लोगों के पास जाना पड़ता है जो आपको स्टार्टअप के लिए पैसे दे सकते हैं, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी ग्रांट्स है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक ये तो आज की बात है, 2010 में शुरुआत की बात थी व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ एट दैट पॉइंट। टुडे ऑफ कोर्स तो भी गेम ही बदल चुका है, जहां पर इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, जो एक बिग बॉयज क्लब हो गया है, जो इन स्टार्टअप्स पे पैसे भी डालते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का फॉर्म भी हो गया है। बट ये थोड़ी पहले की कहानी है, जो और 13 साल में 14 साल में दुनिया काफी बदली। 2010 का जो टाइम था बड़ा नेसेंट स्टेज था, जहां पर चीजों की शुरुआत हो रही थी कि आप बहुत ब्रेव होते हैं उस टाइम पे अगर आप अपने माँ बाप को बोले कि नहीं मैं खुद का कुछ आइडिया लेके कुछ बनाऊंगा और कुछ अपने बलबूते पर जाकर एक बिजनेस खड़ा करूंगा। ये आज के दौर पे लोग कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत अपॉर्चुनिटीज है, उस टाइम पे इतने नहीं थे। तो ये उस दौर की बात है और उस दौर पे जो मेरा कैरेक्टर है मिहिर जैन, ये बेसिकली वाज वन ऑफ द अर्ली मूवर्स कि ही हैड अ फोरसाइट कि ये स्कूल में 12वीं क्लास में फेल हुआ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा इसको। और ये इस शो की शुरुआत भी या कहीं ना कहीं ऐसे होती है जहां पर ये स्टेज पे खड़ा है एक स्कूल के अंदर और बता रहा है बच्चों को, टीचर्स के सामने कि देखो यार मैं 12वीं फेल हूँ, आप लोग यहाँ से पास आउट होंगे, एजुकेशन अच्छा है, लेकिन शायद मैं मोस्ट ऑफ यू को मैं जॉब्स दूंगा, इवन दो आई एम नॉट कंप्लीटेड माई स्कूल लाइक यू। सो ही इज अ वेरी एम्बिशियस चैप एंड इन दैट टाइम वो हाउ ही पुट्स हिज मनी विद द राइट पीपल, हाउ ही इन्वेस्ट हिज मनी। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक हमारे काफी अच्छे सीन्स हुए हैं संजय और मिहिर के, जो जो मतलब एक
इनकी विजन को ये मेरे पास लेकर आते हैं और बड़े जुगाड़ से ये मिहिर जैन से मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो वो जुगाड़ लगा के मिलते हैं, फिर जुगाड़ से अपना आइडिया बताना, फिर उस आइडिया को बताना कि वो कैसे और बड़ा हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि बंदे में दम है, लेकिन हर एक बंदा आइडिया लेकर आता है, हाउ कैन आई पुट हिम ऑन द स्पॉट, हाउ कैन आई मेक हिम टेस्टिमोनी लिटिल मोर, एंड हाउ हिज एम्बिशन यू नो कीप्स टेकिंग फ्रूट एंड शेप इन द शो, और विद मिहिर सपोर्ट समटाइम्स, without Mihir support sometimes, he has his, you know, his love life, his interest in that also. So, एक बड़ी अच्छी प्यारी कहानी है, fight against his parents, fight against all odds. Absolutely. एक comparison होती है शर्मा जी के बेटे की, आपके गोद के भाई की. वो तो हमेशा हमारे इंडिया में होती है. Correct है, correct है. तो उस 2010 की के time की कहानी है, और बहुत प्यार से बनाई गई, 5 episodes हैं, it's very easy watch, it's nice to, yeah, it's a nice easy viewing. Definitely, I'm going to watch it today. आज तो नहीं देख पाई हूँ, but then still, Anjali, we have seen you playing strong characters, और आपके जो emotions जब बाहर आते हैं, मतलब बहुत effortlessly आप कर लेते हो, मुझे लगता है. So इसमें क्या special रहा? How did Hustlers happen to you? तो सबसे प्यारी चीज़ कहूँगी या different चीज़ कहूँगी about this show is कि हर्ष जो हमारे show के director हैं, उन्होंने मुझे first day ये कहा था कि Anjali, we've seen you smiling a lot, मतलब you smile and we love your smile. पर ना इस शो में तेरी स्माइल मुझे कम देखनी है. क्यों? तो बिकॉज द कैरेक्टर सच बिकॉज शी इज द सीनियर, मतलब संजय की सीनियर का कैरेक्टर है, वो एंटी रैगिंग कमिटी की हेड है. तो सारे जो जूनियर्स हैं सब उसे बहुत डरते हैं, एंड शी इज एक्चुअली लाइक अ गुंडी. मुझे वो ये वाला चाहिए, एक्चुअली कैरेक्टर वाली फील है कि मुझे ऐसे चाहिए कि तू आ रही है ऐसे स्लीव्स अप करके आ रही है. सो जैसे मुंबई में रहती है लड़कियां. हाँ जी हाँ. तो कि आई वॉन्ट दैट, एंड द स्माइल शुड बी देयर व्हेन यू आर विद संजय. सो आई थिंक दैट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज वही चीज़ मैंने ध्यान में रखी थी कि जब मैं संजय के अलावा जो मेरे सीन्स थे उसमें कर रही थी, सो आई वॉज दिस यू नो पर्सन हुज आउट देयर और सबको चिल्ला रही हूँ और डांट रही हूँ, और जब संजय के साथ होती थी तो स्माइली. टू कैरेक्टर्स. हाँ तो मैं पिघल जाती थी. सो आई थिंक दैट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड या इसमें लिटरली आई कैन सी द टू शेड्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ दिस कैरेक्टर. अच्छा, इसमें मुंबई की बहुत सारी बातें हो रही है ना, कि वो एकदम जब आते हैं नए नए हम लोग बम्बई में, तो सबसे पहला होता है घर ढूंढने का जुगाड़, जो हम सबको ऐसा लगता है कि माचिस की डिब्बियों जैसे घर है. सो उसी से ये आइडिया क्लिक हुआ है मुझे लगता है ना इसमें पूरे इसमें. सो व्हेन यू केम टू बॉम्बे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर फ्रॉम कोलकाता राइट? तो जब आप पहली बार आए थे तो क्या एक्सपीरियंस था, कितना जुगाड़ करना पड़ा था घर ढूंढने के लिए? यार आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैं आया था तो मैं थाने से ट्रैवल करता था यहाँ, क्योंकि वहाँ मेरी दीदी रहती है. अच्छा, ओके. तो इतना भागा दौड़ी कौन करेगा, बट आई हैव हैड वन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग अ हाउस. आई वेंट टू शूट इन द इवनिंग एंड वी हैड टू वैकेट अ प्लेस, और हमें जगह नहीं मिली थी, तो हमारा सारा सामान एक मैटेडोर में था. आई हैड गॉन फॉर अ नाइट शूट एंड आई डिड नॉट नो वेयर आई एम गोइंग टू कम इन द मॉर्निंग. वैसे सेम मैं रिलेट कर सकती हूँ, मेरे साथ हो चुका है. सो दैट हाँ, ऐसे दो बार हुआ ऐसा इन अ मैटर ऑफ 10 इयर्स. Which is enough. So, रात को गए और मैं सुबह कॉल कर रहा हूँ दोस्तों को कि भाई कहाँ, have we finalized anything? वो अलग ट्रिप पे है, वो मुझे कहीं और भेज रहे हैं. वो घर पे सो रहे आराम से. Finally, we had finalized some at 4 o'clock in the morning. We had to wake the owners up. कि we are really sorry we had to do this, but we don't have a house. The car is standing out. The matador is standing outside with all our stuff. And we need a place to stay. And we are ready to pay this amount, but you have to get up. For us to make the agreement and sign and pay. तो किया फिर उन्होंने? सुबह 4 बजे. किया ऐसा? I was shooting. Wow. The owners got so up. Sweet. We spoke to them. They spoke to them. My friend spoke to them. And I came back 7 o'clock in the morning to a ready-made house. गलती से कितने अच्छे owners मिल गए इनको वैसे, है ना? Yeah. So we stayed there for a good 2 years. So, yeah. और 2 साल के बाद तो यहाँ पे मेरे को लगता है ओनर्स का एक टेंशन ये शुरू हो जाता है, अब तो हमारे बेटे ने आना है, अब तो किसी ने आना है, 2 साल के बाद तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? अंजलि के साथ कौन से एक्सपीरियंसेस? तो लकीली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओनली, सो आई एम ब्लेस्ड दैट वे. ओ वाओ. बट मैं नवी मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप. अच्छा, ओके. तो दैट्स अ डिफरेंट सिटी. हां, सुंदर सुंदर सुशी. ये सब मैं सुन चुकी, मतलब बहुत सुन लिया मैंने, ठीक है? पर वो बहुत ही एक सुंदर प्यारी सी जगह, बहुत प्यारी है ना. और मैं एक एक ऑडिशन के लिए 5 घंटे ट्रैवल करती थी,
और थैंक्स टू माई अपनी प्यारी सी मेट्रो, वहाँ वॉशरूम में जाके पूरा मेकअप करके फिर बाद में मैं निकलती थी। पहले शुरू हो गया था मेट्रो? हाँ हो गई थी मेरे टाइम पे, थैंक यू भगवान, उस टाइम पे मैं तैयार हो गई। हाउ सीनियर शी इज, है ना, कितने साल पुरानी बात है वैसे? हाँ 48 बॉर्न है आप शायद, मुझे लगता है। नहीं 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 35 बॉर्न, ओके ओके, सबसे सीनियर है हमने। सो या so thanks to the metro I would do that and then I would finish my audition and head back. तो मेरी जो कहानी रही है वो नवी मुंबई से मुंबई तक की रही है. Now that I'm married, I am in this side of Bombay, which is Goregaon, and I do not like it because मुझे वो शोर नहीं पसंद, मुझे वो नीचे उतर के वो सारे व्हीकल्स नहीं पसंद. नहीं पसंद? नहीं मतलब थोड़ा सा. But you can take the Atal Bridge now and go, no? And go there for running and walking and all that. नहीं नहीं होता. तो but ठीक है, अभी मतलब इस साइड से अभी तक आदत नहीं पड़ी है, but my heart is still in Navi Mumbai. So that's my struggle with home. Navi Mumbai is beautiful, yeah. Navi Mumbai is very 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 and beautiful homes, beautiful view. बट यहाँ से सेंट्रल बॉम्बे या वेस्टर्न लाइन से वहाँ जाना भी एक जुगाड़ी हो जाता है. हाँ, बहुत बड़ा, तो इसलिए जाना कम हो पाता है. कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, जब पता हो ना घर ऐसी जगह पे हो तो. करेक्ट, कर लेते हैं. अच्छा, आपके लिए तो जुगाड़ उगाड़ नहीं करना पड़ा होगा, अभी गोवा में घर बार बनाए, इतना सुंदर, ओफो, मतलब मुझे तो प्यार ही हो गया. तो मतलब बहुत दिनों बाद है ना, मैं टॉकिंग अबाउट, मैं दिल्ली का हूँ और मेरी पूरी फैमिली में सब साइंस बैकग्राउंड से है. मैं अकेला हूँ जो यहाँ पर मीडिया वर्ल्ड पे हूँ, एक्टर हूँ. तो मैं जब बॉम्बे आया था, मुझे यहाँ पर एक फिल्म दी गई थी, उसलिए मैं बॉम्बे आया. मैं ऐसा सोच नहीं आया था कि मुझे बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है. इट हैपेंड टू मी, बड़ा केम टू बॉम्बे. मैं दिल्ली का हूँ, मैं कोठियाँ देखी है मैंने बड़े होते हुए. तो मैं बॉम्बे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो मतलब नहीं, मुझे लगा कि ये मुझे समझ नहीं आया शहर मुझे पहले, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि ये डिवाइड क्या है, कि साउथ बॉम्बे और ये और ये सबर्ब्स का क्या है. मैं भी रिलेट करती हूं, मैं भी दिल्ली से हूं, क्योंकि ठीक है. तो दूसरी बात ये रही कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए. और मैंने ठान लिया था कि आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स. तो मेरे पहले दो महीने रहे कि मैं अपने, मेरा दोस्त था पवन छापड़िया एंड हिज वाइफ, उनकी बेटी थी, तो उनके पास एक बंक बेड था. तो आई गॉट द टॉप ऑफ द बंक बेड फॉर माई फर्स्ट 2 months. ओके, सो द चाइल्ड वुड बी नीचे क्राइंग, आई वुड बी ऑन टॉप क्राइंग. शी वॉज 6 years old और मैं ऊपर था. दैट वॉज माई फर्स्ट ओरिएंटेशन. फिर आई रिमेंबर मुझे मिला था उसके लिए, आई वेंट टू, देयर वाज एन आंटी डिमेलोज हाउस, ओके, राइट नेक्स्ट टू आंटी डिमेलो, राइट नेक्स्ट टू पाल्स फिश कॉर्नर एंड खार, एंड इट वॉज अ पीजी. अच्छा, गॉट इज लवली पीजी, वन बेडरूम हॉल. और सबसे बुरी बात थी उस पीजी की कि आंटी डिमेलो जो थी वो एक सेलिब्रेटेड शेफ थी. अच्छा, पर पीजी का ये होता है ना कि पीजी में आपको खाना नहीं देते. I know, सच्ची में. आपको सिर्फ आपका कमरा होता है, एक बाथरूम होता है और आपका एक अलग एंट्री होती है. और वहां पर पैसे कम देने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे उतने अफोर्ड कर सकता था, सो आई कुड गिव इट लाइक दैट. पर जो सुगंध आती थी उनके किचन से, कि वो बना रही हैं, इतने गोवन खाना बना रहे हैं वहां पर, और मैं बैठ के वहां पर वो देख रहा हूँ वहां पर. और मैंने कहा यार तू तो आंटी को नॉक करूं, बोलूं कि भूख लग रही है, समटाइम शी गिव इट, बट ऑल द टाइम. सो देन आई गो डाउनस्टेयर्स और वहां पर अपने आंटी को पटाने के लिए कुछ कुछ करते थे. वो बहुत बारी बोले, उनके घर पहुंच गए, आंटी आपके घर में कुछ टूटा है, आंटी आप लोनली तो नहीं है, मैं आ गया आपके पास. और नीचे काफी मतलब रेस्टोरेंट्स थे वहां पर, तो वो किया. एंड देन ऑफ कोर्स प्रोग्रेशन होता है आपका बॉम्बे में, पहले आप यहाँ पर आते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं, करेक्ट, फिर आप पीजी में रहते हैं, फिर यहाँ मैं सीखा BHK कॉन्सेप्ट, बेडरूम हॉल किचन. दिस इज ओनली अ बॉम्बे कॉन्सेप्ट, इज नॉट एनीवेयर एल्स इन द कंट्री. यानी BHK RK है बॉम्बे कॉन्सेप्ट, तो RK रूम किचन, बेडरूम नहीं होता. हां सॉरी, BHK तो दिल्ली वाला कॉन्सेप्ट है, RK यहां पे तो वही बोलते हैं ना, रूम पे वन रूम किचन, रूम नहीं, मेरे को फ्लैट चाहिए पूरा, फ्लैट, करेक्ट, बेडरूम होता है, BHK चाहिए. हां ये भी है, बट वैसे ही होता है, प्रोग्रेशन होती है आपके ऐसे लाइफ में. एंड आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक आल्सो बॉम्बे एक अलग तरीके से देखा जाए, आई थिंक बॉम्बे इज अ सिटी आल्सो टेस्ट यू एट द स्टार्ट. एब्सोल्युटली, ये 3-4 साल आपको लगेगा ना, बाहर के हो, देख बेटा मैं तुझे ना यहाँ पे मतलब कि घुमाऊंगा तेरे को, आई गेट यू फ्रस्ट्रेटेड, आई गेट यू टू फील एट द लोएस्ट पॉइंट, पर अगर आप वो ऑनसलॉट अगर वो सर्वाइव कर लो ना, मुझे लगता है इट गिव्स यू बैक अ लॉट आल्सो. एब्सोल्युटली, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. हां, इफ यू लव बॉम्बे, बॉम्बे लव्स यू बैक, ऐसा कहा जाता है. आई थिंक सो, आई थिंक सो, या. अच्छा, ये किस किस के साथ? अंजलि के साथ तो नहीं, क्योंकि अंजलि तो बॉम्बे से ही है, आप दोनों में से पूछ रही हूं ये. पर ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो काउंट नहीं करते ना मुंबई को बॉम्बे. क्यों? ये जो बोला ना पासपोर्ट वाली चीज, वो तो थाने को भी नहीं करते. अरे मैं तो बॉम्बे का हूं ही नहीं, मुझे पता ही नहीं.
मैं दिल्ली गया था तो वही गुड़गांव नोएडा तो अलग जगह है ना, वो मुझे भी पता क्या होता है। नवी मुंबई इज लाइक ग्रेटर नोएडा, या मुझे ऐसा लगता है प्लान्ड है ना पूरा पूरी तरह से, नो ट्रैफिक, नॉट मच ऑफ ट्रैफिक जो यहाँ पे। हाँ, सुंदर, सुशील, अच्छा, खूबसूरत। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी किस किस के साथ ये हुआ आप दोनों में से, कि दो साल हो गए या तीन साल हो गए आपने किसी को बताया कि अच्छा आई हैव बीन इन बॉम्बे फॉर 3 इयर्स? अरे तुम तो रिसेंटली आए हो, ऐसा नहीं नहीं हो अभी तो ये ऐसा होता है? ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे साथ, मेरे साथ अभी भी होता है, लोग कहते हैं वो दिल्ली गए ऐसा। मैंने कहा तो भाषा ही नहीं बॉम्बे की तेरी, मैंने कहा मैं वो अब क्या करूं, इतने साल दिल्ली रहा हूं तो भाषा दिल्ली की होगी यार, नहीं हो सकता। बट नहीं, आई थिंक अब तो पर्सनली भी मुझे लगता है कि यू नो बॉम्बे, आई फील लाइक आई बिलोंग टू बॉम्बे ऑल्सो, माय हार्ट इज इन देयर, बट ऐसे आई डोंट थिंक, अभी तो 3-4 साल अभी तो नहीं कहते कोई, पहले कहा करते थे। हाँ, बिकॉज आई थिंक बॉम्बे में हम स्पेशली जब मैं आया था तो स्ट्रगलिंग एक्टर जो बोलते हैं, दैट्स व्हाट दे कॉल अस, सो व्हेन वी गो देयर तो वहाँ सब कहीं सही से आए, वो बॉम्बे से कोई नहीं था, कोई पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद, डाउन साउथ, सब जगह से आए हैं, सो इट नेवर फेल्ट लाइक कि अच्छा तू यहाँ कितना टाइम से। सभी 1 साल 2 साल 6 महीने, कुछ 1 महीने वाले भी मिले तो उनके सामने हम थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, इट्स बीन अ ईयर, यू विल गेट देयर, आई विल टेल यू अ कपल ऑफ थिंग्स, हाँ यहाँ जाना वहाँ जाना, इतना होता था बस। अदरवाइज बॉम्बे इज वेरी इनवाइटिंग आई फील, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। Absolutely, it is. It welcomes you with like both its arms open. However overwhelming it can be, but it's very inviting. And I remember the first sound I heard when I came to Bombay. Somebody was road and I left the airport, and this guy looked at me and said, "Yes, yes, ye rickshaw wala bhi aise bulate hain." I was like, "Bhai sahab, ye aap galat samjhe hoge, main waisa aadmi nahi hu." Maine kaha, "Ye to aap galat hi soch rahe hain." But then I realized this is a way of calling people, yaar. And I went back to Delhi and I told my friends, "This is called the side Bombay." They do. To each other. Haan, yes. Actually, I tried doing it. It's ticklish on the lips. नहीं, मैं defend करना चाहूँगी. नहीं, मैं attack भी नहीं कर रहा हूँ. मैं बस बोल रहा हूँ, बड़ा interesting है. ये प्यार नहीं अच्छा है, आपको पता है. किस दे रहे हैं? Flying किस दे रहे हैं आपको, basically? Flying किस दे रहे हैं, correct. ये vibes हैं उनकी, अच्छी positive vibes. बस बस. Welcoming. So I really want this gentleman from UP to give me a flying kiss. Most of the rickshawalas, if you have traveled in rickshaws, तो जिनसे भी मैं बात करती हूँ, because I have a habit of talking to these rickshawalas and public transport people, भैया कहाँ से हो? यूपी से, तो मोस्टली आप फ्रॉम यूपी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बिफोर आई साइन ऑफ आई वुड आस्क यू, लाइक ऐसा जैसे मैंने स्टार्टअप्स की बात की, कोई ऐसा स्टार्टअप का आइडिया जो आपको आता और आपको लगता है यार इसको कर देते हैं, लेट्स डू इट। यार ये तो मतलब बड़ा सवाल पूछ रही हैं आप, बहुत छोटा भी हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है, बट अगर मैं बोल दूंगी ना कोई बना देगा तो मुझे नहीं, कॉपीराइट दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। एक और आइडिया मैं आपको चाह रही हूं, अभी है, अभी कॉपीराइट, आज सुबह ही मैं सोच रही थी, बट इट्स सीक्रेटिव, कहीं नहीं चलाएंगे, बता दो। अच्छा, बना ही देना शायद। हाँ। मैं कभी बनाऊं भी नहीं, क्यों? आई डोंट नो, आई एम बिजी एक्टिंग। तो मुझे चाहिए कि कोई ऐसी सर्विस हो कि वो आके ना एक बार आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दे पूरा। ये मतलब तो हाई फाइव देना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस वाज माय आईडिया। सी सी, आई टोल्ड यू, समवन समवेयर इज थिंकिंग अबाउट दैट। बट व्हाई बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। No. This already happens, huh? This already happens. No. One of my friend in Delhi has started this. This already happens. Nice try. Really? I asked on my previous shoot. I asked because I'm very bad with clothes. So, मैं उसे बोला भाई ऐसा हो सकता है क्या? They're called wardrobe managers. Exactly. And they come to your house and set up your organize your closet. ऐसा करके भी होता है. They will organize your wardrobe. Yes. They will tell you what you should wear. They will find your interest. What colors you wear. They will throw out the stuff which is not resonating with you. आपको कौन सा आइडिया आता है? मेरे को आइडिया आता है, मेरे को आइडिया आता है, क्या आता है? बहुत जोर से आइडिया आ रहा है। मुझे आइडिया आता है कि मुझे जैसे आई स्टे इन गोवा, तो मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूं बाय द हाउसेस, बाय देयर एंटायर लाइफस्टाइल, हाउ दे लिव, एब्सोल्युटली द स्पेस दैट दे हैव, सो इट्स नॉट नेसेसरली a startup idea. I'm not very driven in that direction. But ha, jaise one definitely to make a home that reflects your interest. Waise, even if it's a flat, it shouldn't be a symmetrical flat jo aise hi building mein rehte hai. It should thoda hi kuch character hona chahiye. So I want to try and do that for my own house. That is kind of my startup, personal startup. Otherwise, I am right now where I'm researching into the coffee industry a lot. Oh wow, that's nice. Really? It's yeah. It's coffee. Huh? It's been a while. Nice. So I'm
क्योंकि आई फील हाँ देर आर लॉट ऑफ कैफेज बट कॉफी ब्लैक ही होती है मतलब एक्टर्स के लिए तो स्पेशली मतलब डोंट पिंक कॉफी नहीं 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 ब्लैक कॉफी ही आई थिंक इफ यू देर आर सो मेनी डिफरेंट टेस्ट ऑफ कॉफी व्हिच यू कैन एक्सप्लोर यस यस आई नो एंड इट्स नॉट इन्फ्यूज कॉफी कैन ग्रो इन अ लॉट ऑफ मल्टीपल प्लेसेस उसका फ्लेवर बहुत आसानी से इन्फ्यूज हो जाता है बिकॉज इट्स ऑल रूट लेवल सो देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर देयर इज कॉफी में क्या इक्विपमेंट्स भी बहुत आई नो सो इट्स अ वेरी You were super into. He was super into about it even while you know we were shooting. I'm like, ये coffee में ना पहले smell कर पहले smell smell and I'm like, हाँ coffee. तो यहाँ नहीं ये तो coffee lover ही समझ सकते हैं. इनको convert करना है, so I already have my. बता देना ना team, बता देना मैं investment और partnership करने को भी तैयार हूँ. So yes. मेरी जेंस listening. मेरी जेंस listening. मेरी जेंस listening. तो मेरी जेंस का कोई idea 2024 वाला, 10 वाला नहीं. So on the Maybe it works, maybe it doesn't work. But yeah. I'm just thinking because hota hai na ke to find like-minded people, correct. It's very hard in today's day and age, and you don't want to spend that much time doing it, right, guys? So picture my idea of a business that you make an app. Oh wow! Okay, and in the app, you fill in your credentials, and it fills in your personality trait, type, likes, dislikes, who you are, puts you in situations, gives you an overall test of your personality. Now on the app, whoever registers on it. You will be only matched to those people who are similar like you. And that means your search for friends only will be limited to those people. So you don't have to go around the world looking for the people. And you found the right match of people who can match with you and be friends. Only like-minded. But people who are made, who can be like put together. Ye ho chuka hai kya? No. Or is it that Tinder? No, no. Tinder is for relationship. I'm not talking about Tinder. I'm talking about just like to make friends in life, to be connected to different people. You now don't need, so it goes like, suppose you are within a place like Facebook and you only get those friends who are friends that you could connect with. It's an idea, it needs work, but it's a important process. Yeah. But we'll wait, when will it come? When will you implement it? Okay. Well, ideas तो बहुत सारे और मेरे दिमाग में तो इसमें पता नहीं कितने ideas चल रहे हैं discuss करूंगी off the camera. Thank you so much all of you for being so kind and warm in this video. Thank you so much and all the best to you. Thank you. And thank you so much for watching us. मैं तो कहूंगी जो ideas आपको आते हैं आप भी उनको implement करें यानी execute करें तभी आप अच्छा startup कर पाएंगे और successful हो पाएंगे life में. Well, thank you so much for watching us right now. Bye bye for now.